नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज था नवंबर सीरीज के एक्सपायरी का दिन और अक्सर एक्सपायरी वाले दिन बाजार रहता है रेंज में। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी यही इशारा दे रहे थे कि बाजार एक दायरे में फंसता हुआ नजर आया था। अमेरिकन मार्केट्स बिल्कुल सपाट क्लोजिंग देके गए थे और ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बताया था कि कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो सकती, और बिल्कुल वही हुआ। 20,108 के लेवल पे ओपन हुए, 20,136 गए थे, लेकिन एकदम से 9:45 पे डेंट पड़ गया। दिन का लो लगा था 20,015, बहुत ही स्पीड से नीचे आ गए थे लेकिन संभल गए। 20,000 के लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया और फिर से दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुए बंद। 20,158 का आज के दिन का हाई है, क्लोजिंग आई है 20,133 की, 89 पॉइंट्स दूर हैं अपने ऑल टाइम हाई लेवल से। लेकिन पेच क्या है, एग्जिट पोल जो बाजार बंद होने के बाद आया है उसका इंपैक्ट पड़ेगा कल। आज तो 36 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 20,133 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 84 पॉइंट्स हल्का होकर 44,481 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 86 अंक चढ़कर 66,988 के लेवल पे बंद हुआ है। 32 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं और आज जो सबसे तेज चला वो था अल्ट्राटेक। इसने शुरुआत में संकेत दे दिया तेजी के, 3% से ज्यादा की चढ़ाई। इसके अलावा HDFC लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल 2.25% से 2.5% का मूव, भारती एयरटेल, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी करीब करीब 2% का मूव बना। निफ्टी लूजर्स में अदानी इंटरप्राइजेस को पाएंगे आप, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, LTIM, रिलायंस, इन स्टॉक्स पे दबाव था, रिलायंस ने आज बाजार पर दबाव डाला है। FNO गेनर्स में इंडिया सीमेंट सबसे अव्वल रहा, आज 8% की चढ़ाई चढ़ गया, सीमेंट पैक में वैसे ही खरीदारी थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 6% चढ़ गया, डेल्टा कॉर्प 6.5% का रिटर्न दे गया, गेल, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी 4.5% से 5.5% उछल गए। टाटा पावर पे आज FNO में बिकवाली के सौदे ज्यादा दिखाई दे रहे थे और ये स्टॉक 2% नीचे आ गया। सरकारी बैंक्स का वैसे ही दिन अच्छा नहीं था आज, एक्सपायरी वाले दिन PNB 2% नीचे आ गया, फेडरल बैंक, DLF, अदानी इंटरप्राइजेस, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र पे दबाव में थे। मिड कैप गेनर्स में ये जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है ना, NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देके गई है पिछले 2 हफ्तों से, बहुत ही जोरदार खरीदारी, और आज भी 10% के अपर सर्किट पे चला गया ये स्टॉक। वोल्टैम 9% उछला है, NPCC 8.5% उछल गया, GE शिपिंग 7.5% उछल गया, कैमलिन फाइन 7.5% चढ़ा है, सोनाटा 7% ऊपर, एजिस केमिकल, महाराष्ट्र सीमलेस, पूना वाला, ये सब स्टॉक्स ऊपर थे आज के सत्र में। और हो ये रहा है कि आज के सत्र में लार्ज कैप नहीं मिड कैप से फोकस ज्यादा चला गया था मार्केट का। मिड कैप लूजर्स में एथर 6% टूटा है, डिश टीवी लगभग 5% टूटा, बॉम्बे डाइंग 4% ज्यादा टूट गया, TVS श्री चक्रा, सोलर इंडस्ट्रीज, कॉन्फिडेंस पेट्रो 4% से 4.25% की गिरावट शो कर रहे थे। आज जो दिन था वो था सरकारी कंपनियों का। इंडेक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको PSE इंडेक्स में बहुत जबरदस्त खरीदारी दिखेगी, गेल 5.5% ऊपर, BEL 3.5% ऊपर, BHEL 3.25% उछल गया, IOC, PFC, REC 2% से 3% की चढ़ाई चढ़ गए, BPCL, HPCL, ONGC, HALA सब स्टॉक्स आज के सत्र में थे ऊपर। ऊपर से सीमेंट शेयर्स में आज के सत्र में मोमेंटम था, जिसमें इंडिया सीमेंट सबसे तेज चला है 8% ऊपर, श्री सीमेंट में 3% से ज्यादा के रिटर्न आए, अल्ट्राटेक निफ्टी का टॉप गेनर साबित हो गया, दालमिया भारत, ACC अंबुजा जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी दिखाई दी। हेल्थ केयर स्टॉक्स का दिन अच्छा था, एल्केम लीड कर रहा था आज, इस स्टॉक में 4.5% के रिटर्न आए, ग्रैनुल 3.5% चढ़ गया एक्सपायरी वाले दिन, ल्यूपेन, अपोलो हॉस्पिटल 2% से 3% की चढ़ाई चढ़ गए, ऑरबिंदो फार्मा वैसे ही बहुत मजबूत है, लगातार चढ़ता स्ट्रक्चर है, टॉरेंट फार्मा, सन फार्मा, सब स्टॉक्स में तेजी थी। रियल एस्टेट स्टॉक्स का भी दिन था, इन स्टॉक्स में प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड, फीनिक्स 3% 5.5% ऐसे रिटर्न्स दे रहे थे, लोधा, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओप्रो रियल्टी, ये सब स्टॉक्स थे ऊपर। और एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर था वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें आज के सत्र में कजारिया, वर्लपूल, डिक्सन, जो भी इस इंडेक्स का हिस्सा है वो सब स्टॉक्स ऊपर थे 2% से 2% की तेजी इन सब स्टॉक्स में। राजेश एक्सपोर्ट्स, टाइटन, TT के प्रेस्टीज, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। FMCG में वरुण बेवरेजेस का नंबर आया, कमाल की तेजी थी आज 5% की तेजी। इसके अलावा मैरिको 2% ऊपर, ब्रिटानिया, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, HUL हल्की खरीदारी इन स्टॉक्स में। और फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं उसमें मुथूट फाइनेंस दिखाई देगा आपको 4% ऊपर। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां जैसे कि ICICI जनरल इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, ICICI अप्रूव, SBI लाइफ, ये स्टॉक्स 2% से 3% ऊपर थे। और LIC हाउसिंग, REC इन स्टॉक्स में भी आज के, PFC इन स्टॉक्स में भी आज के सत्र में मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। PSU बैंक्स का दिन बिल्कुल नहीं था, सबसे ज्यादा पिटा है इंडियन बैंक, आज 6% नीचे चला गया, यूनियन बैंक 2% नीचे चला गया, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, सेंट्रल बैंक 1% से 2% नीचे चले गए, यूको बैंक और SBI भी दबाव में रहे। अदानी शेयर्स में ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, इनफैक्ट मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा था, लेकिन कोई स्टॉक बहुत तेज नहीं चला, ना ही कोई बहुत ज्यादा गिरावट आई है, तो कहीं ना कहीं
थोड़ा थकावट महसूस कर रहे थे स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस 1% नीचे, अदानी पोर्ट्स 1% नीचे, अदानी टोटल गैस 3% नीचे, अदानी एनर्जी में हल्का दबाव, अदानी पावर सपाट, अदानी ग्रीन 1% नीचे, एनडीटीवी सपाट, अदानी विल्मर 2% नीचे, अंबुजा एसीसी हल्की खरीदारी इन स्टॉक्स में। आज जो कमाल हुआ है वो है लिस्टिंग। जी हाँ, टाटा टेक की बंपर लिस्टिंग, जो अनुमान था उससे भी ऊपर लिस्ट हो गया। 500 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले सीधा 1200 रुपए पे खुल गया, यानी कि 140% प्रीमियम के साथ क्लोजिंग आई है 1313 रुपए की, 162.6% का रिटर्न, तगड़ा रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन। तो जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा डिलीवर कर दिया टाटा टेक ने और निवेशक हो गए मालामाल। गंधार ऑयल रिफाइनरी की भी अच्छी लिस्टिंग हुई, 169 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 298 रुपए पे लिस्ट हुआ 76% प्रीमियम के साथ, 301.40 रुपए की क्लोजिंग आई है, यानी कि 78.3% का रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन। अच्छी लिस्टिंग हुई। फेड बैंक फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई सुस्त, 140 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 138 रुपए पे खुल गया और 140.25 रुपीज की ही क्लोजिंग आई है, यानी कि बिल्कुल सपाट जिस लेवल पे इशू हुआ था उसी के आसपास की क्लोजिंग है। तो फी की लिस्टिंग कही जाएगी। जो बढ़िया लिस्टिंग थी वो थी टाटा टेक की कमाल की लिस्टिंग और गंधार ऑयल रिफाइनरी की अच्छी लिस्टिंग। अब आगे क्या होगा, देखिए भारत के Q2 GDP आंकड़े आए हैं कमाल के, बाजार बंद होने के बाद 7.6% का आंकड़ा आया है Q2 GDP इंडिया का, और ये क्योंकि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत स्ट्रांग था उसके कारण आता हुआ नजर आया। कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिविटी में इजाफा हुआ, उसका असर देखने को मिला। नॉन एग्रीकल्चरल साइड पर ही आंकड़े बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए क्या ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, इस पे थोड़ा सवाल खड़ा हुआ हुआ है। तो अभी के लिए तो जो अनुमान था 6.8-6.9% का, उससे ज्यादा बेहतर डिलीवर कर दिया, पर कंसर्न्स ऑब्वियसली रहेंगे आने वाले समय के लिए। देखते हैं कि ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कितना कायम रह पाती है। एग्जिट पोल का असर होगा मार्केट पे अब, और बाजार बंद होने के बाद जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं, और खासतौर से जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मामला फंसता नजर आ रहा है ना, कांटे की टक्कर है, उसकी वजह से हो सकता है कि इस सीरीज की शुरुआत में, दिसंबर सीरीज की शुरुआत में बाजार हिचकोले खाए। अब जो भी होगा, आर पार की लड़ाई होगी बाजार में, दिसंबर सीरीज की शुरुआत में ही आर पार की लड़ाई होगी। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि 20,133 के लेवल की क्लोजिंग है, ऑल टाइम हाई लेवल से 89 पॉइंट्स दूर है बस, लेकिन ये 89 पॉइंट्स बहुत नर्वस करेंगे ट्रेडर्स को, ऐसा लग रहा है। तो बाजार अभी दिसंबर सीरीज की शुरुआत में हिचकोले खा सकता है 20,200 के करीब जाकर, लेकिन अगर 20,222 जो अब तक का ऑल टाइम हाई लेवल से उसको क्रॉस कर दिया तो हो जाएगा बड़ा ब्रेकआउट, फिर तो खुले नीले आकाश में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो लेवल्स हैं 20,200-20,222, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और बाजार बिल्कुल एक बड़े इवेंट के पहले इसके पास आके खड़ा हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इनफैक्ट ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, दिसंबर वीक की शुरुआत में जब नतीजे आएंगे वो मायने ज्यादा रखेंगे, लेकिन अभी एग्जिट पोल्स को भी भुनाएगा मार्केट, और हो सकता है कि इन लेवल्स के आसपास आके 20,200-20,222 के आसपास आके थोड़े हिचकोले खाए। 19,900 से 20,000 का स्तर जब तक नहीं टूटता तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, वो इसलिए क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन भी 20,000 का स्तर नहीं टूटा, और ऊपर से 20,000 की स्ट्राइक पे पुट पे सबसे ज्यादा खुले सौदे हैं इस नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी वाले जो मैं कह रहा हूँ। तो फिर 20,000 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केट के लिए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ना कच्चे तेल पे नजर रखनी पड़ेगी, ये निचले स्तरों से अगर रिकवर कर गया तो ये आफत बन सकता है, पर फिलहाल मार्केट के पास 20,060-20,000 का एक क्वेश्चन है। इन लेवल्स के ऊपर बुल्स डोमिनेट करते रहेंगे, और ऊपर मामला फंस रहा है 20,200 के आसपास जाके, थोड़ा इंडिसिजन वाली मार्केट रहेगी। लेकिन हाँ, अब ये जो बाजार बंद होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कल शुरुआती एक घंटे में बाजार पे इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट, और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।